सल्लल्लाहु अलैका या
सरकार के चेहरे को खुदा दे सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है। यारे काबे खुद में दयारे काबे दम कबा खुद में दया हुकूमत ने हर चीज को 1100% महंगा कर दिया, लेकिन हाल ही संभालना महंगी कह रही थी। मेरे ख्याल मेरी गाल समझ कह रही, मेरे ख्याल 48 चक्कर महंगी थी ये सुभान। आजाद ये तो वो विद है जिसमें कोई पैसे खर्च नहीं होते, बंदा अपनी जुबान को भी पाक कर लेता है, अपना दिल भी, अपनी सारी जात को पाकीज़ा कर लेता है। सुनिए ये देखिए, ये जो सजावट है, ये कुमकुम है, ये सारी सूरत हाल है। हमदी साहब आपकी तरफ जाऊंगा और आपके भी। उनकी नातों दिन का उजाला न गया। हाँ मेरे बात कहा
फिर मुझे इतना दिया मुझसे संभाला गया। और भाई इकबाल, आपने अपने दिल के इत्मीनान के लिए कि जब कहीं से भी नहीं मिलती सकूं की दौलत, तेरी महफिल तेरे दीवाने से जा लेते हैं जी इंशाल्लाह। गम को दूर करने का इससे बड़ा अच्छा सलीका तरीका कोई है नहीं। वो नात मैं आपके लिए पेश करूंगा इंशाल्लाह। सराकी जरूर पेश कर सकते हैं इंशाल्लाह। मैं कोई में आस्था आस्था आवड़ हूँ। हाँ संगे तेरे महबूब पे सर मेरा झुका है, संगे तेरे महबूब पे सर मेरा झुका है। मैं कुछ न सही मेरा मुकद्दर तो बड़ा है, सही मेरा मुकद्दर तो बड़ा है। लजपाल बड़ा है तो नात सरकार की पढ़ता हूं मैं, नात सरकार की पढ़ता हूं मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। नात सरकार की सुनता हूं मैं, बस इसी बात से घर में रहमत होगी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इत्तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजोगम में भी इसी नाम से राहत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजोगम में भी इसी नाम से राहत। हर किसी को अल्लाह ताला ने अपना एक रंग सोच अता किया है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा रंग बन जाए। हजरत साकुल रेने एक पार्टी दे आलम या से कि जेले कब्र में सो बठू में आसे ना गासे, मैं एक मास्टर से बड़ा हैरान था कि जेड़ी कब्र सरकारे द्वारा थी तशरीफ आवरी थी वनी
ते पुछा वजे के सारी जिंदगी इन सोने हसीन चेहरे बारे क्या आखदा रह गया असद वर खुशबख्त क्या किस्म या नबी सलाम और एक बख्शिश दा सलीका उसे लेकिन शाह साहब ने जवाब दे दिया वो बंदे को क्या ये قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی سبحان اللہ کہہ دیجئے قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل سرکار دو عالم کی زیارت تو قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار دو عالم کی زیارت حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا آزاد آدھن کی قیامت کا جڑا بڑا مشکل سے اوکھا ہوتا ہے سنو سماعت کرو حشر کا حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا کس طرح زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی ایک اور قیامت ہوگی ہر دینار حق ہوگا ادھر تو
मुहम्मद के तो जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे फिर कयामत पे बिक और कयामत उनको मुखुदा उनको मुखुदार बनाया है मेरे मौला ने उनको मुखुदार बनाया है मेरे मौला ने तो फिर बस वही जा सकता है जिसको हसनैन के नाना की इजाजत होगी खुल्द में बस वही जा सकता है खुल्द में बस वही जा सकता है कौन कौन हाँ जड़ी मान करे मुल्ला जड़ी जन्नत मान करे तेरी जन्नत मूल न बनसू जड़ी जो दे दे दी तेरी दो दख मूल न सड़सो इहा चला रवि असदा मन याद दफन सू जे यार मरीज का करम किता न इतड़ सोना उतड़ सो तो खुल्द में बस वही जा सकता है जिसको हसनैन के नाना की इजाजत होगी जंगल में घूम लेती थी उन्हें जब प्यास लगती थी तो आपका चेहरा चूम लेती थी और कहती थी क्या सोना सारे पुरुष बड़ा मजा आता है।
सोनाए सारे टीचर दाद मेजबान भी टीचर अंग्रेजी दे विच कुछ सिफात है गुड बेटर बेस्ट और जेडी बेस्ट है वो अंग्रेजी दी सुपरलेटिव डिग्री और मैं तो उस तरह की दी सुपरलेटिव डिग्री पढ़ो चा सोनाए मन मोलाए फिर हमदी साहब इसके माथे 6 सुनाना चाहता हूँ।
निगाह पर नहीं चेहरा फुताब नहीं, निगाह पर नहीं चेहरा फुताब नहीं, पूरी तो वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। मेरा पिया डोले क्या बात है सियाराता है, इद काले काले वाले निकव सादिया वारी जा। और आजाद इस नाक का भी आखिरी शेर पेश करने लगा हूं। मेरी दादी वालिया मदिया उस दिन तू रफ़्तारा, जिस दिन तू आड़िया एने दियान मुहारा, ठर गईया मैं तर गईया मैं ठर गईया मैं तर गईया, मेरा माही मेरे नाल निकले सादिया वारी जा। और ये पैगाम है उन अहबाब के लिए जिन पे परेशानी आती है, जिन्हें आजमाया जाता है। तो ख्वाजा साहब ने बड़ी खूब बड़ी बात की।
बनेरा मां पे संग सहे लड़िया मैनु ताना दे बन तेरा आखे लग गए गैरा दे ढोला छोड़ कदी पातड़ी वल फेरा दिल दर्द तू मां दी नथी दर्दे जिगर इवें हो दे दिल दर्द तू दी नथी दर्दे जिगर इवें हो दिल वैसे गुजर असलो नदर जुल्मो इवें हो दिल दिल दर्द तू बहु चिकल चिल्लते गप गिल बहु हिम्मत करी ऐ दिल बहु जुल्मी सफर इवे हो दिल दिल दर्द बहुत बड़ा पैगाम है चुक पई ससी एक दिल कनू कनू चुक पई ससी कनू पुनल बजा घिल कनू रह गई मुठी मंजिल कनू वला के पहर इमे हो दिल दिल दर्द तू आखिर फैशन पेश करना चाहिए और मियां साहब ने जिन्हें कलम चाहती है ना दुनिया जहान दे समूह से अपने कलम दी नोक तले रख छोड़े वो चाहे मुआशरा है वो चाहे वफादारी है वो चाहे कोई मौजूद और जिन्हें भेड़ी मिरा और बालदान दे मौजूद हैं तो बल क्या दें हाँ सज्जन हो दे मद
ਠੰਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ اللہ تعالیٰ بھائی اقبال صاحب کے جو بھائی سے رخصت ہو گئے وہ تو میری ترین اللہ کی مشیت اللہ تعالیٰ کا درجات بلندی عطا فرمائے جو ان کے ساتھ ہیں اللہ کی عمر دراز کرے ان کے بیٹوں کی بھتیجوں کی آخر شعر ادا پیش کرنا بھی اور میاں صاحب نے کمال کر چھوڑی اگر یہ سچا ہے تو سبحان اللہ اتنی ہوگی کہ آئندہ سال تک اتنا گول دے رہا اچیاں لمبیاں ٹہلیاں اچیاں لمبیاں ٹہلیاں اتے لمبیاں جنہاں دیاں چھاواں مل جاتی پر نہیں مل دیا ہر شہ بازاروں مل جاتی پر نہیں مل دیا ایک شیر کا اضافہ اس لیے کرنا ہوں ایک شیر کا اضافہ اس لیے رکھیں دیدہ بیٹھا کہ ڈھیر سارے نوجوان بال تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ سلامت رکھے لیکن جلے تو سب چھوٹے چھوٹے آبے نا نہ میرے کرے بابا ہے نہ میرے کرے اممہ ہے یہ تو وقت پچھو نہ کچھ دلے رشتے چلے ہوئے ہیں ہم علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کو زور نہ پونے اے موسیٰ علیہ السلام وہ ذرا خیال کرتے کوئی تو حضرت شیف جنہ ہے کہ توری دعا دے ہوا یہ کائنات اس کے بال چھوٹا ہو دے تابے صاحب نے بہت خوبصورت گال کی تھی ٹیچر زرا دی توجہ چاہ سر پر لکھے ہاں اس دن سے ماں میری سو درد کی تابش اس دن سے ماں میری سو درد کی تابش کیونکہ میں ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے بھائی اقبال صاحب کا مشکور ہوں تارے کو معافی جن لے اسٹیج کے عرض کا دے منا کے ساتھ شیئر ہے مطلب اس ساتھ شیئر بہت بہت